संस्कृति मम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गर्मियों के लिए खास ड्रिंक बनाएंगे। ये हमने एक बेलपत्र को तोड़ के ले लिया है और इस चम्मच से 4-5 चम्मच हमने सत्तू ले लिया है। सत्तू तो गर्मियों के लिए खास होता है, बहुत ही ठंडा होता है, खाने में बहुत ही फायदेमंद होता है। सुबह सुबह आप इस तरीके का ड्रिंक बना करके पी सकते हैं। सुबह दोपहर शाम कभी भी इसका ड्रिंक बना करके आप पी सकते हैं। और आप बेलपत्र को भी इसी तरीके से, यदि आपको शरबत नहीं बनाना है तो सीधे इसी तरीके से भी आप खा सकते हैं। हमने एक गिलास ले लिया है, गिलास में हम ठंडा पानी डाल देंगे। ठंडे पानी की जगह आप इसमें बर्फ के टुकड़े भी डाल सकते हैं और हम इसमें 3-4 चम्मच सत्तू डाल देंगे। हमने आधा गिलास ठंडा पानी डाला था और सत्तू डाला था, सत्तू को अच्छे से हमने घोल दिया है और हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे और इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद इसमें हम थोड़ी सी चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, नमक भी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और चम्मच से चीनी को हम अच्छे से घोल देंगे और हम इसमें थोड़ा सा नींबू डाल देंगे। जब आप इस तरीके से सत्तू का ड्रिंक बनाएंगे तो पीने में बहुत ही अच्छा लगता है। हमने सारी चीज़ों को अच्छे से घोल दिया है। यदि आप इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालना चाहते हैं तो लाल मिर्च पाउडर को भी डाल सकते हैं और इसमें आप थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर भी डाल सकते हैं। हमने इसमें थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर डाल दिया है और अच्छे से घोल दिया है। इसमें आप पुदीना की पत्तियां को भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर हरी धनिया की पत्तियां ले ली हैं और इसमें हम इस तरीके से डाल दें। देखो ये हमारा कितना अच्छा सत्तू का ड्रिंक बन करके तैयार हो चुका है। हमने एक ड्रिंक बना करके तैयार कर लिया है और जो हमने बेलपत्र लिया था, बेलपत्र को हम चम्मच से क्रॉच करके उसका गूदा निकाल लेंगे। हमने बेलपत्र का सारा गूदा निकाल लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देंगे और अच्छे से गूदे को हाथ से मिक्स कर देंगे। बेलपत्र को हमने हाथों से अच्छे से पानी में मैश कर दिया है और जो उसके रेशे और उसके बीज थे हम इस तरीके से उसको निकाल कर फेंक देंगे। यदि आप छन्नी से छानना चाहते हैं तो छन्नी से भी छान सकते हैं। हमने तो इस तरीके से सारे रेशे और उसके बीज निकाल लिए हैं। इसमें हम थोड़ी सी चीनी डाल देंगे। हमारा बेलपत्र अच्छा मीठ है इसलिए हमने इसमें थोड़ी सी कम चीनी डाली है। चीनी अब चीनी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर डाल देंगे और बिल्कुल थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे। नमक हमें इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, हमने थोड़ा सा टेस्ट के लिए इसमें नमक डाल दिया है। आप बगैर नमक का भी बना करके तैयार कर सकते हैं। देखो ये हमारा कितना अच्छा गाढ़ा गाढ़ा ठंडा ठंडा बेलपत्र का शरबत बनकर के तैयार हो चुका है। एक हमने गिलास ले लिया है, गिलास के ऊपर हमने लाल मिर्च पाउडर को लगा दिया है। हमने गिलास के मुंह को थोड़ा सा गीला कर लिया था और उसमें लाल मिर्च पाउडर को लगा दिया है। अब हम इसमें ठंडा ठंडा बेलपत्र का शरबत भरेंगे। देखो ये हमारा कितना अच्छा गाढ़ा गाढ़ा बेलपत्र का शरबत बनकर के तैयार हो चुका है। इसमें आप थोड़ी सी गार्निश के लिए पुदीना की पत्तियां लगा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर हरी पत्ती को लगा दिया है। देखो ये हमारा गर्मियों के लिए ठंडा ठंडा दो तरीके का ड्रिंक बन करके तैयार हो चुका है। बहुत ही फायदेमंद है और पीने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप भी इसी तरीके से अपने बच्चों के लिए और अपने लिए गर्मियों में बेलपत्र का और सत्तू का जूस बना करके तैयार कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।